और पानी का फ्लो एकदम स्लो है। देखिए ये बीच का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा अलग है। मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया। तक के लिए बराबर। अभी हम आ गए हैं शिवराजपुर बीच और यहाँ पे कार पार्किंग का 50 रुपीज़ चार्ज है। अभी जाते हैं बीच पे। इसमें एंट्री का भी पर हेड 30 रुपीज़ फ्री है। यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम का भी इस तरह से रेट है। यहाँ पे कार पार्क करने के बाद थोड़ा चलना रहता है, उसके बाद बीच आएगा। यहाँ पे अच्छा खासा चलने का है, 10 मिनट लगेगा आपको बीच तक पहुँचने में। फाइनली बीच आ गया। देखिए अभी जा रहे हैं पानी के पास। यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा पवन आ रहा है और पानी का फ्लो एकदम स्लो है। देखिए यहाँ पे इस तरह से पाँव में ठंडा ठंडा पानी टच हो रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है। ये बीच का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा अलग है। मतलब बाकी जो भी मैंने बीच देखे हैं वहाँ पे क्या है कि जो मोजे होते हैं वो उछल कूद करके हमारे पास आते हैं और यहाँ पे जो मोजे हैं वो एकदम शांति से धीरे धीरे हमारे पास आते हैं, डर लगता ही नहीं है। देखिए अभी यस्सी को पूछते हैं कि यस्सी को कितना मजा आया यहाँ पर। मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया। ये सारे बीचों से बहुत अलग है, यहाँ बहुत शांति है और ये पानी भी बहुत क्लियर है। अभी धीरे धीरे सनसेट हो रहा है तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है और एकदम एटमॉस्फेयर खुशनुमा हो गया है, बहुत मजा आ रहा है। बाकी सब बीच में कैसा होता है कि थोड़ा भी अंदर जाने का थोड़ा डर लगता है, पर यहाँ पे मैं अंदर जा रहा हूँ, कोई डर नहीं है। एकदम स्लोली स्लोली पानी आ रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखो मेरे पीछे सनसेट हो रहा है। मुझे वैसे भी बीच बहुत पसंद है, सनसेट के टाइम पे तो जो बीच का मजा है वो अलग ही है। यहाँ पे किसी को नहाना हो तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के नहा सकते हैं। ये सामने जो मार्किंग किया हुआ है उसके अंदर रह के आप नहा सकते हो। वैसे शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग बीच का टैग मिला है और
इंडिया में ऐसे टोटल 8 बीच है जिसको ब्लू फ्लैग बीच का टैग मिला हो। तो ब्लू फ्लैग बीच के क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। टोटल 33 क्राइटेरिया होते हैं। अभी टोटल 33 क्राइटेरिया की बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मेन चीज में अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट आता है सेफ्टी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया और बताया उस तरह से यहाँ पे पानी एकदम शांत है और ज्यादा डीप नहीं है। प्लस यहाँ पे स्विमिंग के लिए भी अलग जोन है तो सेफ्टी वाइज यहाँ पे थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड चीज है पानी की क्वालिटी। यहाँ पे जैसे आप देख ही रहे हो कि पानी एकदम क्लीन है और यहाँ पे 15 दिन में एक बार पानी का टेस्ट भी होता है, तो वो लैब टेस्ट होता है और क्राइटेरिया के अनुसार पानी का क्वालिटी होना चाहिए। अब फोर्थ चीज है सिक्योरिटी। मतलब हमने कार पार्क किया था वहां से लेके ये बीच और बीच का पूरा जो एरिया है वो सब टोटल एरिया सीसीटीवी के सर्वेलेंस के अंदर है और यहाँ पे लाइफगार्ड भी अवेलेबल रहते हैं। अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई वो यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर है, बट अभी जो मैं लास्ट चीज बताने के लिए जा रहा हूँ वो हमारे ऊपर है, क्योंकि ये प्लास्टिक फ्री जोन है। ये बीच का एरिया और बीच से 3 किलोमीटर के अंदर का पूरा एरिया वो सब प्लास्टिक फ्री जोन है। तो यहाँ पे प्लास्टिक लाना, फेंकना, कचरा करना वो सब अलाउड नहीं है। और मैं गुजरात से हूँ और ये बीच भी गुजरात में है, तो ये सब क्राइटेरिया देख के और यहाँ पूरा एम्बियंस और बीच की क्वालिटी देख के मेरे लिए सच में एक प्राउड फीलिंग है, क्योंकि ऐसा बीच गुजरात में होना, ये फील करना, देखना एक अलग ही फीलिंग है। तो आप गुजरात से हो या गुजरात से बाहर से हो, अगर आप द्वारका आते हो तो यहाँ पे आप जरूर आइए। द्वारका से लगभग ये 12 किलोमीटर दूर है और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप ये बीच पे आते हो तो शाम के टाइम पे आइए, तो इवनिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे सच में बहुत मजा आएगा। ये सन का जो लाइट का ऑरेंज कलर गिर रहा है पानी में, उसका रिफ्लेक्शन देखिए और ओवरऑल सीन देखिए। हम जहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा शांति है क्योंकि क्राउड नहीं है। अभी अगर आप सामने देखोगे तो पूरा क्राउड से भरा हुआ है बीच। मुझे पर्सनली इतना क्राउड वाली जगह पसंद नहीं है, तो हम थोड़ा दूर आ गए और शांति से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजे। यहाँ पे इस तरह से मस्त फोटो खिंचाने के लिए बैठने के लिए जगह भी है, देखिए। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो और कुछ दिखेगा नहीं। तो अब हम चले जाएंगे होटल पे और कल का प्लानिंग हमारा ऐसा है कि कल हम जाने वाले हैं माधोपुर बीच और वहाँ से जाएंगे सोमनाथ। तो उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना, ये वीडियो को शेयर करना और इस तरह के और वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय। हम इस वीडियो का एंड करते हैं। हम कल माधोपुर बीच जाने वाले और बाद में सोमनाथ जाने वाले हैं। तो तब तक के लिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये तो